छिलकों से भिजवा दी है ब्रादर, खीर बनाकर बांट दो। सबसे बड़ी दावत रेड हार्ट गवर्नमेंट स्कूल मुंबई, जहां नेताजी का लेक्चर है, और उससे पहले 8 सितंबर कॉफी एंड ब्रेड हाउस, और आज फ्रेंच बेकरी में बाकी ऊपर वाला मालिक। मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट, 174 मासूम लोगों की मौत। साल 2011, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट, 11 लोगों की मौत। साल 2013, हैदराबाद में एक के बाद एक बम ब्लास्ट, 17 लोगों की मौत। नमस्कार, सावधान इंडिया महामूवी में मैं सुशांत सिंह और मैं पूजा गौर आपका स्वागत करते हैं। क्या आपने कभी उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की है जो उन परिजनों की रगों में लहू की तरह बहता है जिनके अपने आतंकी हमलों में मारे गए? क्या कभी आपने उस गमगीन घर को देखा जहां हंसी अब सिर्फ उस शख्स की तस्वीर में सिमटी है जो आतंकवाद का शिकार हो गया? बहुत मुश्किल होता है ऐसे में खुद को एक पल के लिए भी रखना, लेकिन हमारे देश में आज भी सैकड़ों परिवार यूं ही जी रहे हैं, और उनकी इस हालत का जिम्मेदार है आतंकवाद। जी हाँ, वो आतंकवाद जो आज हमारे देश की सुरक्षा पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा है। आज सावधान इंडिया महामूवी में आतंक की एक ऐसी ही नापाक साजिश हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले 2 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तबाही की प्लानिंग में जुटे आतंकी अपने मंसूबे को अंजाम देने की जुगत करते हैं, और कैसे वो हमारी छोटी छोटी असावधानियों को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। तो तैयार हो जाइए आतंक की एक बहुत बड़ी साजिश को परत दर परत खुलते देखने के लिए। सर, उस बॉम्ब ब्लास्ट में आरडीएक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक वायर्स और साइकिल के बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था। कोई चश्मदीद गवाह? वो साहब, बॉम्ब ब्लास्ट का टाइम पे ये गोले वाला साक्षी था, इसने 2 साइकिल वालों को वहां देखा था। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। हेलो डैडी जी, शाम को आते वक्त वीडियो गेम की सीडी लेते आना। ठीक है बेटा, मैं लाऊंगा। सॉरी, वो घर से बच्चे का। तांबले, अब तक तो ये लोग महाराष्ट्र बॉर्डर पार कर चुके होंगे। पाटिल, सारे बॉर्डर स्टेशन मुझसे कनेक्ट करो। सो फास्ट। क्या हुआ साहब? यहाँ क्या कर रहे हो? साहब आराम कर रहे हैं। साहब बस साहब, हम लोग यहीं पर आराम कर रहे हैं। साहब साहब, कोई गलती हुई साहब हमसे। साहब जी, वो दूध है साहब जी। ओए चुप कर, अब पता चल जाएगा। दूध है साहब, उसमें दूध है। कहाँ लेके जा रहे हो इतना दूध? साहब वो तीतर वाला गांव है ना पास में, वहीं ले आ रहे थे, तो सोचा कि 4-5 घंटे का सफर है, थोड़ा आराम कर लें।
और साहब कुछ नहीं साहब, काफी रात हो गई थी साहब। ठीक है चलो। हमने टॉर्च घुमाओ इधर। ये तीतल गांव कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देश का बॉर्डर है, वहां पर है। 70 किलोमीटर मतलब यहाँ से चलते चलते तीतल गांव पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक तो दूध खराब। आरडीएक्स ग्रुप का नाम बोल। नेक्स्ट टारगेट कहाँ है? बोल। अगला टारगेट कहाँ है और कौन है? बोल। नया कमांडर कौन है? कौन? बोल। बोल। कौन? बोलकर मर गया। से, से नाम का कौन है? कौन है ये से नाम का? सर हमारे डेटाबेस में एस नाम से शुरू होने वाले ये नाम हैं: सतराम लालवानी, सागर बिहारी, समीर कंजरवाल और ये कमांडर जो भी हो, सगरी समीरा, मतलब ये लड़की क्यों नहीं हो सकता है? तामले सब एस नाम के सभी लोगों की लिस्ट निकालो और उन पर नजर रखो। मुंबई में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। सर हमें इस शहर की सभी लॉजेस और छोटे मोटे होटल्स पर नजर रखनी होगी। ये लोग किधर ना किधर रहने को जरूर आएंगे। नहीं तामले, पूरे मुंबई शहर में अलर्ट कर दो और चेक करो कि पिछले 3 महीने से कहीं किसी ने कोई घर किराया पर लिया है। उसकी पुलिस वेरिफिकेशन चेक कराओ, कहीं किसी के भी घर कोई दूर या नजदीक का रिश्तेदार आके ठहरा हो और उसके यहां आने की कोई खास वजह ना हो। चेक करो, फास्ट चेक करो सर, और उस पर कड़ी नजर रखो। ये लोग होटल और लॉजेज में नहीं, लोगों के दिलों में घर बनाते हैं और एक दिन उसी घर को उजाड़ कर चले जाते हैं। तामले सर, मुझे जल्द से जल्द एस नाम के कमांडर तक पहुंचना है। स्नेहा, 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 अरे क्या चल रहा है बेटा? हाँ एक तो 2 साल के बाद आई हूँ, आज सगाई है तुम्हारी। चलो आई, मैं बैंगलोर पढ़ाई करने गई थी, मौज मस्ती करने नहीं। और ईशान तो अपना ही है, भाग के कहाँ जाएगा वो? भाग के कहाँ जाएगा, अच्छा शरीफ लड़का मिला इसलिए बोल रही हो। हाँ चलो 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 आराम से चल। बस पुरोहित जी शुरू करो। श्री गणेशाय नमो नमः। तुम चे आई बाबा, मेरा मतलब है कि आपकी तरफ से कौन है? ईशान। स्नेहा तुम तो जानती हो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माँ बाप एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। एक बड़ी बहन जैसी हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हाँ ताय आने वाली थी ना, कहाँ है, अब तक आई क्यों नहीं? ताई आ गई। ताई। आई, बस 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 बस। ताई कहाँ रह गई थी तू? मुझे तो लगा आप आओगे ही नहीं। कैसे ना आती, तेरे सिलो मेरा है कौन? ताई वेट 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 वेट, लेट मी गेस,
ये स्नेहा है। हाँ? पर ताई तुमने कैसे पहचाना? तुम तो पहली बार इससे मिल रही हो। तो कितनी बार तो फोन पे बात हो चुकी है हमारी, है ना? आई बाबा, ये मेरी ताई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार ताई, आओ बैठो। अरे ईशान, इतनी भी क्या जल्दी है, इतने दूर से आई है ताई, इन्हें फ्रेश तो होने दो, है ना? हाँ। जा इनको कमरा दिखा दे अपना। चलो। आओ। आपका बैग कितना भारी है, इसमें लोहा तो नहीं है ना? स्नेहा, तुम पहली बार में? तुम क्या जानो ईशान बाबू, हम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है, राइट? She's so sweet. एक काम करो ईशान, तुम हमारा सामान उठाओ, हम ताई को कमरा दिखाते हैं। आइए ताई। हाँ चलो। जी। नाइस ना? It's beautiful. दिखाओ। किसने चूज किया? मैंने। ईशान, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। कहाँ? भाग के शादी जो करनी है। अरे ईशान, ताई को पिज्जा खाना है, चलो ना, लेट्स गो। पहले सगाई तो करो। पर खाएंगे ना? पिज्जा खाने जाएंगे सगाई के बाद। और फिर स्नेहा तो अब हमारी है, ये कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, ये अब हम डिसाइड करेंगे, है ना स्नेहा भाभी? राइट नारायण जी। परफेक्ट। ईशान कर क्या रहा है, हंस तो थोड़ा सा। अरे ताई आप ईशान की परवाह मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इसे संभाल लूंगी, आप सिर्फ फोटो खींचते रहिए। और हाँ, रूथ उसे मुझे जरूर भेजना, ओके? जरूर। बाराती इकट्ठे हो गए हैं, आज शामियाना बंद। जी जनाब। आतंक के खतरनाक खेल की शुरुआत हो चुकी थी, इसे खेलने वाले अनेक खिलाड़ी थे लेकिन उनकी शक्ल अब तक साफ नहीं थी, पर एक खिलाड़ी की शक्ल बिल्कुल साफ हो चुकी थी और वो थी ईशान की मुंह बोली बहन, उसकी ताई। लेकिन ताई का इस सब से क्या वास्ता था, इसे समझ पाना अभी बेहद मुश्किल था। लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि तबाही की एक बहुत बड़ी साजिश को पूरी तैयारी के साथ दबे पांव अंजाम दिया जा रहा था। वक्त कम था और SFT यानी स्पेशल फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म के ऑफिसर्स उस कमांडर को ढूंढ रहे थे जिसका नाम S से था। मुंबई की किसी ऐसी कॉलोनी, किसी मोहल्ले को नहीं छोड़ा गया जहां कोई नया किराएदार आकर फंसा। लेकिन SFT के हाथों सफलता अब तक नहीं लगी थी। बावजूद इसके फोर्स पूरी शिद्दत के साथ तहकीकात में जुटी थी। इसी दौरान उनके हाथ एक अहम सुराग लगा। सामले वो S नाम के कमांडर का कुछ पता चला? सर S नाम का तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन शांति वाली एरिया में एक महीने पहले दो लोगों ने इस डीलर के थ्रू एक घर भाड़े पे लिया था सर। और ताज्जुब की बात यह है कि दो दिन पहले ही वो रहने को आए हैं और दिन भर घर बंद रहता है। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलो। डैडी जी कहाँ हो? बेटा हम ऑफिस में है, कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है बेटा? ओके डैडी जी, बाय। बाय बेटा, लव यू। चलो तामले जल्दी चलो, टाइम वेस्ट मत करो। भैया
कितना महंगा बोल रहे हो आप? मटर 100 रुपया किलो? अरे ठीक से भाव करो ना स्नेहा, जो कुछ भी है लेकर घर चलो ना यार, मैं थक गया हूँ। अरे ठीक तो कर रही है, भाव नहीं करेगी तो बचत कैसे करेगी और तेरा घर कैसे चलेगा बुद्धू? एग्जैक्टली, ताई कुछ सिखाओ ना इसे। ये बचत वचत नहीं है, बस टाइम वेस्ट है, या फिर मर्दों को उल्लू बनाने का तरीका, बस बेमतलब का टाइम पास कर रही हो पता नहीं क्यों। अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये भाव ताव करके टाइम पास कर रही हूँ? ताकि मुझे इस धूप में खड़े रहने की सजा मिले। कम ऑन निशान, तुम भी ना। भैया वो गवार कैसा दिया? देवा रे इतना महंगा? ठीक है वो दे दो। ठीक है, ये ताई कैसे बात कर रही है? इसमें खीर बनाने का सारा सामान मौजूद है, दो दावतें तो तुम आराम से निपटा सकोगे। ईशान, मुझे ऐसे लगता है कि ताई हमारे लिए गिफ्ट ऑर्डर कर रही है। ये मार्केट के बीच में इस तरह? वैसे 500-600 बराती तो यूं लिपट जाएंगे। यानी 500 से 600 जाने कैद है इस डिब्बे में? बिल्कुल। बेहतर है, मैं आज रात को ही असेंबल करना शुरू करती हूँ और प्लान के मुताबिक 23 तारीख को आपको थालियाँ मिल जाएंगी ताकि आप परोस सके। हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे, चलते हैं। गिफ्ट ले रही थी तुम्हारे लिए, शादी के बाद सरप्राइज दूंगी। ईशान मैंने कहा था ना ताई हमारे लिए गिफ्ट खरीद रही होगी, चले। जाल बेच चुका था पर अभी भी ये तय करना मुश्किल था कि इस खतरनाक आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। चेहरे अभी तक सिर्फ ताई, जेकब और रजाक के सामने आए थे, पर एक बात तय थी कि स्नेहा के घर से बाहरी मुल्क के तार जुड़े हुए थे, वरना ताई सब कुछ कैसे ऑपरेट कर रही थी? आखिर कैसे ताई ने एक घर को इतनी खतरनाक साजिश का ठिकाना बना दिया, और वो भी खास उस घर को जहां पर शादी की चहल पहल थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताई के अलावा कोई और भी था जो तबाही की इस साजिश को पनाह दे रहा था और जिसकी वजह से ताई को इस खूनी खेल की तैयारी में आसानी हो रही थी? कौन? अरे मैं हूँ, खाना लायो बेटा। मुझे भूख नहीं आंटी। अरे भूखे पेट नहीं सोते राजा, खोल खोल दरवाजा। आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है। अरे देवा मैं दबा देती हूँ राजा, खोल खोल खोल। कैसा रहा है? अरे वो ईशान की ताई के लिए खाना लाई थी। आई ताई रात में खाना नहीं खाती है, उन्हें सुबह सुबह जॉगिंग जाना होता है ना, इसलिए जाने देना आई। अरे तो मुझे खाना खिला, मुझे बहुत भूख लगी है। सर ये देखिए मिठाई तैयार है, कल सुबह बुफे लग जाएगा, उसके बाद धूम धड़ाका। इसका क्या मतलब हुआ सर? सामने इसका मतलब है कल सुबह कहीं बॉम्ब प्लांट होगा और उसके बाद ब्लास्ट। सर ये देखिए हमें सीक्रेट एजेंसी से ये दो फोटोग्राफ्स मिले हैं। सर ये कुछ खबर लाया है। सर मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने दो लोगों को एक कमरा किराए पर दिया है। हाँ? वो दोनों वापस आ गए, उनके कमरे की लाइट रात रात भर चालू रहती है। इतना वो लोग ऐसे दिखते थे? हाँ सर बिल्कुल यही थे सर।
एक्सक्यूज मी, हेलो, कहाँ हो? ऑफिस। और कितनी देर लगेगी? 4 बज गए। आता हूँ अभी, तुम सो जाओ, ओके? सांभले सर, पूरे मुंबई शहर में रेड अलर्ट कर दो और शांति वाली में रेड मार और हर एक्टिविटीज की खबर देते रहना। यस सर। कम ऑन फास्ट। कमांडर, मैं मिठाई बारातियों के हवाले करने जा रही हूँ। जी हाँ शांतिवली, बाराती जब तक मिठाई खाना ले, मैं अपना फोन ऑफ रखूंगी। हेलो ओ साहेब, एक आतंकवादी गेला। क्या कर रही है? जी मैं यहाँ पे जॉगिंग के लिए आती हूँ, अचानक से गोलियों की आवाज आई तो मैं तो... पुलिस फायरिंग चल रही है, आप जाइए यहाँ से। जी साहिब, दूसरा पन गेला। गुड, मुंबई बच गई। आप जाइए मैडम, घर जाइए। जी मुझे क्या लगता है साहिब, ये दो नहीं और भी हो सकते हैं। कमांडर, दूल्हा बारात छोड़कर भाग गया, हमें दूल्हा बदलना पड़ेगा, जल्दी कीजिए। मिठाई का एक डब्बा मायके में ही है। तुम्हारे लिए शादी के बाद सरप्राइज दूंगी। क्या हुआ निशान? ये ताई ने गिफ्ट पैक में ये बॉम्ब जैसा है ना? नहीं, ताई ऐसा नहीं कर सकती। निशान देखो, ये डरने का वक्त नहीं है, हमें हिम्मत से काम करना होगा। ओके, ताई को फोन लगाओ जल्दी। यहाँ ताई ऐसा नहीं कर सकती। ईशान, तो
पूछे तो। भाई का फोन तो बंद है ईशान। आप मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं ईशान, पुलिस को फोन मत करो। ये बॉम्ब हमारे घर से मिला है, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम इसे कहीं दूर फेंक देंगे, बहुत दूर। ठीक है। ध्यान से। बॉम्ब, दिलो दिमाग में दहशत भर देने के लिए यह शब्द ही काफी है, लेकिन स्नेहा की तो आंखों के सामने बॉम्ब था। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस वक्त स्नेहा की हालत क्या हुई होगी। अलमारी से बॉम्ब मिलते ही स्नेहा और ईशान समझ गए थे कि खतरा उन्हीं के घर में ताई की शक्ल में साजिश रच रहा था। जरा राइट लेना। अरे एक घंटे से घूम रहा हूँ, आखिर जाना कहाँ है आपको? एक काम करो, राइट लो, फिर बताता हूँ कहाँ जाना। भाई साहब ऑटो यहीं रुको। बस नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। आज शहर में आतंक का एक और नया चेहरा देखने को मिला है। डीके चौराहे के कॉफी एंड ब्रेड हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्नेहा, ये तो... हाँ ईशान, ये तो वही जगह है जहाँ हम ताई के साथ पिज्जा खाने गए थे, और फिर ताई हमारी तस्वीरें। अभी की ताजा खबर यह है कि साइकिल स्टैंड के पास रखी एक साइकिल में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हमारी नागरिकों से विनती है कि वो सुरक्षित स्थानों में रहें। पापा का फोन। इधर है तू बेटा? रुक, तुला माई दिया कब? शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 32 लोग मर गए हैं। पुलिस का कहना है कि और ब्लास्ट हो सकते हैं। लाओ ना जल्दी उसको। तू लो करिए। हाँ बेटा। Thank you.
हेलो सर, सर नेताजी का फोन। यस सर, जी सर, पूरी कोशिश कर रहे हैं सर हम। जी, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? सर मैंने इन्फॉर्मर को फोन किया था। सर यादीन बोल रहा है कि इसने तलका घाटी के पुल पर से एक लड़का और लड़की को कोई भारी सी चीज फेंकते हुए देखा था। क्या देखा तुमने? हाँ, तो तूने उन लोगों को कहां से उठाया था जानते हो? जी साहब। चलो कम ऑन पास। ताई का फोन तो अभी बंद आ रहा है। मैं ट्राई करता हूँ। तुम्हें क्या नंबर पर कॉल किया है? ऑफ है। इनमें से कोई है? ये दोनों साहब। बाकी कमरे की तलाशी लो जल्दी। ये सब क्या हो रहा है सर? ने तालुका खाड़ी में बॉम्ब फेंका। कब से चल रहा है ये बॉम्ब बनाने का धंधा? किसके लिए काम करते हो तुम दोनों? साहब हमें सच चीज के बारे में कुछ नहीं मालूम। सर ये देखिए, इसमें बॉम्ब बनाने का सामान। क्या ये सब? साहब ये हमारा नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं। साहब इसे छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है। साहब इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ अपनी मुंह बोली बहन को बचाने के लिए ये सब कुछ सह रहा। कुछ मत बोलो। क्यों? जब उस औरत को तुम दोनों के रिश्ते की फिक्र नहीं, वो खुद गायब है, तो तुम उसके लिए इतनी तकलीफ क्यों सह रहे हो शान? वो बॉम्ब शान का नहीं, बल्कि इसकी मुंह बोली बहन का है। नाम क्या उसका? नया कमांडर कौन है? कौन है ये सह नाम का? ये कमांडर जो भी हो, मतलब ये लड़की क्यों नहीं हो सकता है? समीरा। हाँ साहब, समीरा तय। यही यही शान की बुबोली बहन। मैं बात करती हूँ उससे। हेलो ताई, कहाँ हो आप? आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? वो मैं तुम्हारे लिए शादी की शॉपिंग करने आई थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं था ना, तो तुम लोग हो कहाँ? था ईशान कहाँ है? ताई ईशान मेरे साथ ही है, हम सब घर पे आपका कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। मैं अभी पहुँचती हूँ। ओके कौन है तू? ये क्या पूछ रही है आप? मैं ईशान की बहन। ऐसी होती है बहन? हाँ ऐसी होती है। अरे आतंकवादी है तू, हमारे घर में घुसकर बॉम्ब बनाती। हूँ मैं आतंकवादी, आतंकवादी हूँ, बॉम्ब बनाती हूँ। और सुनोगे इस घर में और कौन कौन बॉम्ब बनाता है? हाँ देख, उसे किधर जाना है ना उधर जा, लेकिन इसे छोड़ दे। Drop the gun, Samira. I said, gun नीचे करो। आई। तुम्हारा खेल खत्म है। मुझे पकड़ने से ये खेल खत्म नहीं होगा, ऑफिसर। नहीं, मैं सिर्फ एक खिलाड़ी हूँ इस खेल का। तुम्हारे चारों तरफ पूरी टीम तैयार खड़ी है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। गन नीचे करो। मैं रहूं, ना रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमांडर इस काम को पूरा करेगा। और वैसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मुझे जिंदा छोड़ना ही पड़ेगा। तो मूव। ड्रॉप द गन। वैसे मूव। गन नीचे करो।
पूरा होगा। जश्न पूरा होगा। आखिर क्या था इन शब्दों का मतलब? मरते मरते समीरा आखिर किस खतरे की ओर इशारा कर रही थी? वो कौन सा अधूरा काम था जो उसका कमांडर पूरा करने वाला था? कौन था ये कमांडर और क्या था उनका बड़ा प्लान? क्या एसएफटी की टीम इस प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? चौदह नवंबर के लिए खोया मुल्क में पहुंच गया है। जो काम समीरा उधोरा छोड़ गया था उसे तुम पूरा करोगे कमांडर। पार्टी की तैयारी की जाए। लाल दिल में सिर्फ प्यार नहीं, धूम धड़ाका भी हो। सारे बच्चों और मुखिया मेहमानों में मिठाई बांटी जाए। बाकी ऊपर वाला मालिक। चला। तू आज स्कूल में कैसे? 30 तारीख को तेरी शादी है ना? तूने तो 5 तक की छुट्टियां ली थी, फिर यहाँ? नफीसा, उस हादसे के बाद ईशान टूट सा गया है। उसकी बहन एक आतंकवादी निकली। ये सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे लग रहा है कि उसके रहते मैं, आई, बाबा, हम सब बदनाम हो जाएंगे। इसलिए वो मुझसे बहुत दूर जाना चाहता है। लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर चला गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तो तू उसे समझाती क्यों नहीं स्नेहा? देख, ये बात तो तू भी मानती है कि जो कुछ भी हो उसमें ईशान का कोई कसूर था ही नहीं। पर फिर भी अगर कोई भी इंसान सच्चे मन से ऊपर वाले से माफी मांगे ना, तो वो उसे जरूर माफ कर देते हैं। ये बात तू उसे जरूर समझाना, समझी? और मैं तो चाहती हूँ बस जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाए, बस। अच्छा एक बात बता, तू प्यार तो करती है ना उसे? बस अब देखना, जल्दी ही तेरे पास ढेर सारी खुशियां होंगी। सर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है तामले कि 14 नवंबर को बॉम्ब ब्लास्ट होगा लाल दिल में। तामले, शहर की हर एक ऐसी जगह चेक कराओ जिसका नाम लाल से शुरू होता है, और पुलिस फोर्स तैनात करो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस सभी के पीछे ईशान का हाथ है। ईशान बड़ा शाना आदमी है सर। देखिए कैसे इतनी बड़ी आतंकवादी समीरा कैसे स्नेहा के घर से सब कुछ ऑपरेट कर रही है। मुझे 100% ईशान पे शक है सर। सॉरी सर, पर वो स्नेहा भी हो सकती है सर। काय रे संदीप। नहीं तामले, हमें सारे ऑप्शंस खुले रखते हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि इस कांड के तार स्नेहा के घर से जुड़े हैं। हमें उस घर के हर व्यक्ति पर नजर रखनी होगी। आई एम श्योर कि 14 नवंबर से पहले वहां कोई ना कोई हरकत जरूर होगी। नजर रखो सर। बाबा, आई इसमें ईशान का कोई कसूर नहीं। ईशान की बहन कसूरवार थी, तो फिर इसमें ईशान का क्या कसूर है? बाबा बाबा देखिए, मैं ईशान के बिना नहीं जी सकती हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ बाबा, एक निशान से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज बाबा, हाय हाय बाबा को समझाओ ना प्लीज। ईशान, शादी करोगे मेरे बेटे से अभी इसी वक्त? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी
स्वस्ति न इंद्रो वृद स्वाहा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा। बेटा अब तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाओ। नहीं बाबा, मैंने और ईशान ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों नहीं बल्कि आप और आई घूमने जाओगे। स्नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी कई साल हो गए आप लोग कहीं नहीं गए, और फिर मैं लोगों से डर कर यहाँ से भागना नहीं चाहता बल्कि यहीं रहकर उनका सामना करूँगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया।